السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सबसे पहले हर तरह की हमद और सना, तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसके फ़ज़्लो एहसान से आज की इस बाबरकत मजलिस में हम जमा हुए हैं। अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमको इस मजलिस में कुरान मजीद को समझने, कुरान मजीद को पढ़ने और पढ़ाने की, इस मजलिस का हिस्सा बनने का अल्लाह ताला ने हमको तौफीक दी है। अल्लाह ताला हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाएं। अल्लाह ताला कुरान के नूर से हमारे सीनों को मुनव्वर कर दे। अल्लाह ताला कुरान की बरकत से हमारी मुश्किलों को आसान कर दे, हमारे मसाइल को हल कर दे। हमको कुरान पढ़ने वाला, कुरान समझने वाला, कुरान पर अमल करने वाला और कुरान का दाई बनाए। सूरह बकरा की तफसीर का सिलसिला चल रहा है। सूरह बकरा की आयत नंबर 208 की तफसीर है, जिससे आज की इस दर्स का आगाज करेंगे। इससे पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने दो मुख्तलिफ किस्म के रवैयों का, दो मुख्तलिफ किस्म के किरदारों का जिक्र किया था। एक किस्म के लोग वो हैं जिनके दिल में निफाक का मर्ज पाया जाता है। वो जबान से बहुत प्यारी, दिल को लुभाने वाली मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन किरदार के मुफसिद होते हैं, अल्लाह ताला की ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं। जबान से मुस्लिह होने का दावा करते हैं, लेकिन उसके किरदार, उसका किरदार फसाद फैलाने वाला होता है। और दूसरा किरदार जिक्र किया अल्लाह के बंदे का, जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की मर्जियात के लिए बेच दी है। वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला को खुश करने के लिए गुजारता है। अब यहाँ एक उमूमी हुक्म अल्लाह ताला दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबियू खुतवात शैतान, और शैतान की पैरवी मत करो। वला तत्तबियू खुतवात शैतान, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, शैतान के कदमों के पीछे मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। यहाँ आयत में अल्लाह ने ईमान वालों को खिताब करते हुए, अहले ईमान को खिताब करते हुए फरमाया, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। इन्नहु, बेशक वो शैतान, लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब हम आयत की तफसीर की तरफ चलते हैं। तर्जमे के बाद अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, इसको निदा कहते हैं और कुरान मजीद में कसरत से इसका जिक्र आया है। और इससे पहले इस मौजू पर गुफ्तगू हो चुकी है कि इस तरह के जो अल्फाज आते हैं वो खास तंबीह के लिए आते हैं। अल्लाह ताला डायरेक्ट भी फरमा सकता था उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, लेकिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब आ गया तो इसका मतलब कोई खास बात है जो कही जा रही है, इसलिए खास अहले ईमान को पुकारा जा रहा है और उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल की जा रही है। तो इस तरह की आयत जब आए जहाँ पे अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ हो, तो हमारी तवज्जो थोड़ी ज़्यादा हो जानी चाहिए। हज़रत इब्ने अब्बास से गालिबन मरवी है कि जैसे ही ये लफ्ज़ कहीं पढ़ो, फ़ौरन तुम्हारे कान इसकी तरफ मायल हो जाने चाहिए, तुम्हारा दिल इसकी तरफ मुतवज्जह हो जाना चाहिए, क्योंकि अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद या तो कोई खैर होगा जिसका हुक्म दिया जा रहा होगा, या शर होगा जिससे बचने के लिए कहा जा रहा होगा। या तो खैरुन यअमुर बिही औ शर्रुन यन्हा अन्हु, कि या तो कोई खैर होगा जिसका हुक्म दिया जा रहा होगा, या शर होगा जिससे रोका जा रहा होगा। अब ये एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब किन लोगों को किया गया, क्योंकि आगे क्या फरमाया, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो सवाल ये पैदा होता है कि ईमान वाले तो ऑलरेडी इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, तो उनसे ये क्यों कहा जाएगा कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो एक फिक्र और एक जो है ख्याल जहन में ये आता है कि यहाँ पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह करके अहले इस्लाम को खिताब नहीं किया जा रहा, क्योंकि अहले इस्लाम तो इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं,
तो ऐसा लगता है कि या लदीना आमनु कह करके कोई और तबका है जिसको खिताब किया गया है। इसलिए या लदीना आमनु का मुखातब कौन है, इसमें मुफस्सरीन के अलग अलग अकवाल हैं कि या लदीना आमनु कह करके किससे कहा गया कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ। एक कौल तो यह है कि ये खिताब मुनाफिकीन से, या लदीना आमनु कह करके मुनाफिकों कहा जा रहा है कि ए लोगो जो जबान से ईमान लेकर के आ गए। मुनाफिकीन वो थे जो जबान से ईमान ले आए थे लेकिन इस्लाम उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ था। और खास तौर पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ जो बात आ रही है वो एक मुनाफिक के किरदार के सियाक में आ रही है। इससे पहले की जो आयतें थी, एक आयत से पहले वाली जो आयत थी उसमें एक मुनाफिक का जिक्र किया गया था, वमिन अन्नासि मन युजिबुका कौलुहु फिल हयाति दुनिया, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका कौल आपको दुनिया के बारे में बहुत अच्छा लगेगा। वो उसमें एक मुनाफिक के किरदार का जिक्र किया गया था कि वो अच्छी अच्छी बातें करता है, अल्लाह ताला को अपने दिल पर गवाह बनाता है, अल्लाह ताला जानता है कि वो सख्त झगड़ालू है और सख्त जो है वो कीना और बुग्ज रखने वाला है। तो एक कौल आयत के सियाक को पस मंजर में रखते हुए ये कहा गया क्योंकि मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा था, तो यहाँ पे मुनाफिकीन से खिताब करके कहा जा रहा है, या लदीना आमनु के जो मुखातब है वो मुनाफिकीन है, उनसे कहा जा रहा है कि ये लोगों जो जबान से ईमान का दावा करते हो, तो आमनु का मतलब जो आमनु बिलिसानी ही अपनी जबान से तो ईमान ले आए हो, उदखुलु फिस्सिल्म काफा, सिर्फ जबान से इस्लाम में दाखिल मत हो जाओ, अपने दिल से अपने किरदार से अपने अमल से भी इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब तक तुम्हारा ईमान सिर्फ जबान की दावेदारी तक महदूद है, इस दावेदारी को सिर्फ जबान की दावेदारी तक महदूद मत रखो, अपने किरदार से भी मुसलमान हो जाओ, अपने इतकाद से भी मुसलमान हो जाओ, अपने अमल से भी मुसलमान हो जाओ। तो एक कौल यह है कि यहाँ पे मुनाफिकीन से कहा जा रहा है कि तुम जबान से ईमान लाए हो, तुम दिल से भी इस्लाम लेकर के आ जाओ, अमल से भी किरदार से भी मुसलमान हो जाओ। दूसरा कौल यह है कि यहाँ पे या लदीना आमनु से मुराद अहले किताब के वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान तो ले आए थे लेकिन अब तक के उनकी तबीयत में कुछ मैलान अहले किताब की दीन की तरफ भी था और कुछ चीज़ें अहले किताब की भी फॉलो कर रहे थे। तो उनसे कहा गया कि सारी चीज़ें जो अहले किताब की हैं उनको छोड़ दो और पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इब्ने अबी हातिम अपनी तफसीर में हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं कि यल्लदीना आमनु उदखुलु फिस्सिल्म काफ्फा, यहाँ पे कौन वो लोग मुराद हैं, यानी मुमिनी अहलिल किताब, यहाँ पर खिताब किया जा रहा है अहले किताब में जो लोग ईमान लाए थे, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम और सालबा और इब्ने यामीन और असद और उसैद इब्ने काब और ऐसे बहुत सारे लोग जो यहूद में से थे, उनके बारे में आयत नाज़िल हुई जो अहले किताब से तौबा करके, यहूदियों से तौबा करके इस्लाम कबूल कर लिया। तो उन्होंने से कहते हैं फ़इन्नहुम कानू मअल ईमानी बिल्लाह मुस्तमसिकीन बिबअदि अमरि तौरा वश्शराए अल्लती उन्ज़िलत फीहिम, कहते हैं कि ये जो वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह पर ईमान तो कबूल कर लिया था लेकिन इसके बावजूद वो तौरात के बाज़ अहकाम और बाज़ शराए भी उन्होंने पकड़ करके रखे थे। उनसे कहा जा रहा है उदखुलू फी शराए दीन मुहम्मद वला तदउ मिनहा शैआ वहस्बुकुम बिल ईमान बित्तौरा वमा फीहा, उनसे कहा जा रहा है कि अब तुम वो जो यहूद के शराए हैं उनकी शरीयत के जो हकाम हैं उनको छोड़ करके पूरे के पूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में दाखिल हो जाओ और तुम बस तौरात के अल्लाह की तरफ से होने पर ईमान रखो, इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है। इसकी और ज़रा सा वजाहत जो है वो इकरमा की तफसीर आती जो इब्ने जरीर तबरी ने उसको नकल किया इस आयत की तफसीर में, उन्होंने कहा कि ये आयत सालबा और अब्दुल्लाह इब्ने सलाम और ये मुख्तलिफ लोग जो यहूद में से थे और ईमान ले आए थे, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह यौम सब्ती कुन्ना नुअज़्ज़िमुहु फदअना लिनस्बुत फीही, कि जो सनीचर का दिन है यौम सब्त हम उसकी ताज़ीम करते हैं तो हमको इजाज़त दीजिए कि बगैर चाहे हमने इस्लाम कबूल कर लिया है पर सब्त की ताज़ीम हम करते रहें। व इन तौरात कहता किताबुल्लाह, और क्योंकि तौरात अल्लाह ताला की किताब है तो हमको इजाज़त दीजिए कि हम उसको भी कायम करते रहें और उसको भी रात की नमाजों में पढ़ें। फनज़लत, तो उनके बारे में आयत नाज़िल हुई कि ये जो अहले किताब में से यहूदियों में से जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था वो पूरे तौर पर अभी इस्लाम में इस तरह से दाखिल नहीं हो सके थे, अभी उनकी तरबियत हो रही थी, तो वो जो पुराने उनके दीन के कुछ शराए थे कुछ अहकाम थे वो बाकी रह गए थे और वो उस पर भी अमल करते हुए आ रहे थे और उनको लगता था कि तौरात भी क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की हुई किताब है तो अगर कुछ हिस्सा उस पर भी हम अमल करते रहें और कुछ हिस्सा जो है वो इस्लाम को भी पूरा मान लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, हम दोनों चीज़ों को जमा कर लेंगे। तो उनसे कहा गया नहीं, पूरे के पूरे यहूदियत से निकल जाओ और पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ।
जो पुरानी शरीयतें थी अल्लाह ताला ने उनको मंसूख कर दिया है, अब तुमको पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाना है। तो दो अकवाली हो गए, पहला ये कि मुनाफिकीन से ही खिताब है और इसकी दलील ये है कि ये मुनाफिकीन के मुतालिक आयत है इससे पहले और उस पस मंजर में आयत आ रही है, और दूसरी बात यह है कि अहले किताब में जो ईमान लाने वाले हैं उनसे कहा जा रहा है कि अब तुम यहूदियत से पूरे के पूरे निकल जाओ, यहूदियत के जितने भी शायर हैं जो भी उनकी इबादतें हैं उनको छोड़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तीसरा कौल ये है कि ये अहले किताब से मुतालिक है, अहले किताब से मुतालिक यानी जो अहले किताब थे और पुरानी शरीयतों पे ईमान लाए थे उनसे कहा जा रहा है लोगो जो ईमान लाए हो, यानी अहले किताब जो हजरत मूसा पर ईमान रखते हैं, जो हजरत ईसा पर ईमान रखते हैं ईसाई और यहूदी, उनसे कहा जा रहा है यानी अहलल किताब। ये इब्ने अब्बासी से तफसीर मनकूल है, इब्ने जरीर ने इसको रिवायत किया है कि अहले किताब से कहा जा रहा है उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी जैसे तुमने पहले अंबिया पर ईमान तुम लेकर के आए, हजरत मूसा को अल्लाह का नबी माना, हजरत ईसा को अल्लाह का नबी माना, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं तो अब तुम्हारा इस्लाम उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अल्लाह ताला की तरफ से उतारा हुआ दीन मानकर आपकी रिसाले का कलमा पढ़कर आपकी शरीयत में दाखिल ना हो जाओ, तब तक कि तुम्हारा इस्लाम काबिल कबूल नहीं। और चौथा और मशहूर कौल यह है कि ये मुसलमानों से कहा जा रहा है जो ईमान ला चुके हैं, याल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये अहले ईमान से कहा जा रहा है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो ये चार कौल हैं और बेशतर मुफस्सिरीन ने, जैसा कि याल्लज़ीना आमनू आम तौर पे उसमें मुसलमानों से ही खिताब किया जाता है, तो बेशतर मुफस्सिरीन ने यही कहा है कि यहाँ पे याल्लज़ीना आमनू से मुराद मुसलमान है, कि मुसलमानों से कहा जा रहा है उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब अगर अहले ईमान से ही कहा जा रहा है इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई अहले ईमान से ये क्यों कहा जा रहा है इस्लाम में दाखिल, वो तो दाखिल हो चुके हैं इस्लाम में, उन्होंने तो इस्लाम कबूल कर लिया, फिर उनसे क्यों मुतालबा किया जा रहा है कि तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अच्छा, काफा जो है इसकी भी दो तफसीर है। काफा का मतलब होता है तमाम, मुकम्मल, जमीन। तो एक तो मतलब यह है कि सारे के सारे मुसलमान इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यानी फिरकों में मत बटो कि कुछ लोग इस्लाम में दाखिल हुए और कुछ लोग अपनी बिदअतों की वजह से, कुफर की वजह से इस्लाम से खारिज हो गए। तो सारे के सारे मुसलमान इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तफरका मत रखो, फिरका बंदियां मत फैलाओ, इख्तिलाफात करके, ऐसा ना हो कि कुछ लोग इस्लाम में दाखिल है और कुछ लोग इस्लाम से खारिज है। एक माना यह बयान किया गया। दूसरा माना यह बयान किया गया कि काफा का मतलब पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अपनी तबीयत के एतबार से पिक एंड चूज वाला मामला मत रखो कि इस्लाम की ये चीज मुझे पसंद है तो मैंने ले ली, फला चीज मुझे पसंद है तो मैंने ले ली, ये तबीयत पे भारी पड़ रही है तो ये मैं नहीं करूंगा, ये मेरी नफ्स को कबूल नहीं करती मैं ये नहीं करूंगा। मुसलमान होना है तो पूरे तौर पे मुसलमान हो जाओ, तुम्हारा अकीदा भी मुसलमानों वाला हो जाए, तुम्हारी इबादतें भी मुसलमानों वाली हो जाए, तुम्हारे समाजी मामला भी मुसलमानों वाले हो जाए, तुम्हारी तिजारत भी मुसलमानों वाली हो, तुम्हारी शरीयत भी मुसलमानों वाली हो, तुम्हारी सियासत भी इस्लाम वाली हो। इस्लाम को पूरे तौर पर कबूल करो, पिक एंड चूज वाला मामला मत रखो कि फला फला चीजें पसंद है तो वो मैंने कबूल कर ली और फला फला चीजें नापसंद है तो मैंने कबूल नहीं की। जैसे यहूदियों का मामला था, नुमिनु बिबादिन वनकफुरु बिबाद, बाद चीजों को तो हम मानेंगे बास का इनकार करेंगे। तो मुसलमानों से कहा जा रहा है तुम्हारा रवैया, तुम्हारा एटीट्यूड इस्लाम को लेकर के ये नहीं होना चाहिए कि जो मर्जी में आया माना और जो मर्जी में आया छोड़ दिया, जो अच्छा लगा कबूल किया और जो अच्छा नहीं लगा उसका इनकार कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इस्लाम के अंदर पूरा दाखिल हो जाओ। जैसे हमारे यहाँ होते बहुत सारे मुसलमान, जबान से कलमा तो पढ़ लिया, तो जितना दिल में आया जुमा, दिल कहा तो जुमा पढ़ लिया, लेकिन जिस जो जुमा का रब है वही तो फजर का भी रब है, वही जोहर का भी रब है, वही असर का रब है, वही मगरिब का रब है। तो जुमा का रब और जोहर फजर के रब से अलग तो नहीं है, तो जुमा पढ़ रहे फजर नहीं पढ़ रहे, क्यों भाई? पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, सिर्फ जुमा के दिन मुसलमान मत हो जाओ, सिर्फ जुमा की नमाज के लिए मुसलमान मत रहो, मुसलमान हो पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पांच वक्त की नमाजें पढ़ो, रमजान का रोजा रख रहे लेकिन नमाज तर्क किया हुआ है, रमजान में खूब अच्छे मुसलमान बन जा रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं और रमजान खत्म तो फर्ज नमाजें भी छूट रही हैं। ये नहीं होना चाहिए कि तबीयत को जो अच्छा लगे, नमाज तो पढ़ रहे लेकिन तिजारत में हलाल हराम का कोई ख्याल नहीं, बहन की जायदाद लेकर के बैठे हुए हैं, कारोबार में बेईमानियां कर रहे हैं, कांटे मार रहे हैं, सूद खा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं। इस्लाम तुमसे जितने मुतालबे कर रहे हैं सारे मुतालबों को मानो, नमाज, रोजा, हज, जक़ात, हलाल और हराम की जो हदबंदियां हैं उन सबको मानो, पूरे मुसलमान बन जाओ, अधूरे मुसलमान मत रहो। उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा का ये मतलब है कि इस्लाम पूरा का पूरा तुम्हारी जिंदगी में आ जाए,
ये अपनी तबीयत के हिसाब से इस्लाम मत मानो। बाज लोग ना वो मतलब उनको इस्लाम का एक पैकेज चाहिए, वो अपना इस्लाम का एक पैकेज बना लेते हैं, अलग इस्लाम एक ही है जो अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया, उसमें कोई पैकेज नहीं अलग अलग कि ये वाला पैकेज इस्लाम का, ये वाला पैकेज इसमें नमाज पढ़नी है रोजे नहीं रखने, इसमें रोजे रखने हैं नमाज नहीं पढ़नी, और ये वाला पैकेज है इसमें सिर्फ रमजान में अच्छा मुसलमान बनना है। इस्लाम का कोई पैकेज नहीं है, पैकेज के हिसाब से मुसलमान मत बनो कि ये इस्लाम वाला, ये वाला पैकेज हमने इस्लाम का लिया है जिसमें सिर्फ रमजान में अच्छा मुसलमान बन करके दिखाना है, बाकी 11 महीने हलाल हराम की कोई तमीज नहीं करनी है। पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, हर हर कदम पर अल्लाह ताला ने जो तकाजे तुम्हारे लिए रखे हैं मुसलमान होने की हैसियत से उसको कबूल करो और पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो ये मुराद है। तो चार लोग मैंने बताया कि यल्दीन आमनु से मुखातब चार किस्म के लोग मुफस्सरीन ने कहे, और ज्यादा सही बात यही है कि यहाँ पर अहले ईमान से मुसलमानों से ही खिताब किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, अकीदे में भी मुसलमान बन जाओ, अमल में भी मुसलमान बन जाओ, मामलात में भी मुसलमान बन जाओ, समाज में भी मुसलमान रहो, तिजारत में भी मुसलमान रहो, सियासत में भी मुसलमान रहो, हर इस्लाम के हर अमल को कबूल करो। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी मत करो, शैतान के कदम के पीछे मत चलो। खुतवा खुतवात, ये खुतवा की जमा है, और खुतवा कहते हैं एक दो कदम के बीच का जो एक मुसाफत होती है, फासला होता है, एक कदम आप चढ़ते हैं फिर एक कदम चलाते हैं तो उसके बीच का जो फासला होता है उसको खुतवात कहते हैं। तो शैतान के कदम की पैरवी मत करो, एक तरफ हुक्म दिया जा रहा है एक तरफ रोका जा रहा है, और ये दो चीजें गोया कि एक दूसरे की अपोजिट है, या तो इस्लाम का रास्ता है या तो शैतान का रास्ता है, और तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो इस्लाम का रास्ता है तो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और जहां तुम इस्लाम में दाखिल नहीं होगे तो फिर वो रास्ता कौन सा है, वो शैतान का रास्ता है। इस्लाम का रास्ता एक ही है, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, पूरे के पूरे उसमें आ जाओ। शैतान के रास्ते बहुत सारे, खुतवात शैतान के बहुत सारे, शैतान दाई तरफ भी जाता है बाई तरफ भी जाता है, बहकाता है अदल के रास्ते से तुमको। तो अगर इस्लाम का रास्ता छोड़ोगे तो लाजिमन उसका क्या मतलब होगा कि शैतान के रास्ते पे चल गए। तो इस्लाम का रास्ता कबूल करो और शैतान के रास्ते पे मत चलो, इस्लाम के रास्ते पर चलो और शैतान के नक्शे कदम की, शैतान के कदमों के पीछे मत चलो। तब तबीउ इत्तिबा करना हम कहते हैं ना, तो शैतान की इत्तिबा मत करो, शैतान के पीछे मत चलो, इस्लाम के पीछे चलो। इस्लाम का रास्ता तुमको जन्नत की तरफ ले जाने वाला है, और इस्लाम के अलावा बहुत सारे रास्ते हैं, बज़ाहिर कुछ रास्ता गुनाहों के दिखाई दे देंगे, गुनाह के रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो बज़ाहिर ये दिखता है कि बहुत नेक और अच्छे रास्ते हैं, लेकिन रास्ता अच्छा दिखाई दे बुराई दिखाई दे, अगर वो इस्लाम का रास्ता नहीं तो तुमको जन्नत की तरफ नहीं लेकर के जाएगा, अगर वो इस्लाम का रास्ता नहीं तो वो तुमको अल्लाह ताला की तरफ नहीं लेके जाएगा। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी मत करो, शैतान के पीछे मत चलो। अब शैतान के पीछे चलने का मतलब ये है कि हर वो काम जो अल्लाह ताला ने मना किया है वो शैतान का काम है। शैतान का नक्शे कदम क्या है, यानी शैतान का नक्शे कदम है अल्लाह की नाफरमानी करना। तो अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में फरमाया कि शैतान की इताअत मत करो, हाँ कि शैतान इन शैतान यामुरुकुम बिस्सू वल फाशा, कि शैतान तुमको बुरे कामों का हुक्म देता है, फहश चीजों का हुक्म देता है, तो शैतान की इताअत मत करो। इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मुबीन का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है वाज़ह दुश्मन, यानी जिसकी दुश्मनी में कोई शक नहीं है। शैतान तुम्हारा कभी भी खैरखा नहीं हो सकता, शैतान तुम्हारा बिल्कुल खुला हुआ दुश्मन है, उसको अपना दोस्त मत समझो। कुरान मजीद ने एक जगह और फरमाया इन्न शैतान लकुम अदुवुन फत्तखिज़ुहु अदुवा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो उसको अपना दुश्मन समझ करके जियो, उसको अपना दुश्मन समझो, वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, वो तुमको हलाक करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, दुश्मन को दुश्मन समझो। ऐसे ही नादानी मत करो कि दुश्मन को अपना दोस्त समझ लो, दुश्मन को दुश्मन समझो। और ये कैसा दुश्मन है, जिसकी दुश्मनी बिल्कुल वाज़ह है, इसने तुम्हारे बाप आदम को जन्नत से निकलवाया, वसवसे डाल करके उनको गुनाह पर आमादा किया, और उसके बाद ये दुनिया में भी आया ही इसलिए, जैसे अहले ईमान की जिंदगी का मकसद अल्लाह ताला की इबादत करके अल्लाह को खुश करना होता है, वैसे शैतान ने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बनाया, एक ही उसकी जिंदगी का मरकज है, एक ही महवर है, एक ही काम है जिसके लिए वो दुनिया में जी रहा है, वो क्या है, आदम की औलाद को जन्नत के रास्ते से हटा देना, वो यही टारगेट लेकर के आया है, उसकी जिंदगी का मकसद यही है, वो अल्लाह से बोल के आया है कि काल अफ बिमा अगवैतनी ला उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, अल्लाह तूने मुझे हलाक को कर दिया है लेकिन मैं खामोश नहीं बैठने वाला, मैं जरूर बजरूर लाक उदन्ना, मैं जरूर बजरूर बैठ जाऊंगा
लहुम आदम की औलाद को बहकाने के लिए, लाकुदन्ना सिरात अकल मुस्तकीम तेरे सीधे रास्ते पे बैठ जाऊंगा, सुम्मला आती लहुम गालिबन नहीं आयत में, सुम्मला आतीयन्ना फिर मैं आदम की औलाद को बहकाऊंगा आगे से आकर के, पीछे से आकर, दाएं से आकर, बाएं से आकर के, और तुम्हें अक्सरों को नाशुकरा पाएगा। उसका मकसद है आदम की औलाद को बहकाना, और उसकी दुश्मनी बिल्कुल खुली है, वाजह है, हमारे लिए भी वाजह है, और वो भी कोई अपनी दुश्मनी छुपा नहीं रहा, उसने भी अपनी दुश्मनी का इजहार कर दिया है, उसने बता दिया है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। तो ऐसे दुश्मन की पैरवी मत करो। हर गुनाह का काम क्या है? शैतान की पैरवी है। आप सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठ रहे, आप शैतान की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि ये शैतान ने हुक्म दिया था नमाज छोड़ने का। उसने आके आपके कानों में फूंक दिया था कि सो जाओ, रात बहुत तवील है। उसने आपकी गुद्दी पर गांठ बांध दी थी, वो नहीं चाहता कि आप फजर की नमाज पढ़ें। आप हराम खा रहे हैं, सूद का कारोबार कर रहे हैं, आप कर्जे ले रहे हैं सूद पर, आप लोन लेकर के मोबाइल खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, ये शैतान ने हुक्म दिया था इसका। शैतान बुराइयों का हुक्म देता है। आप जो भी गुनाह का काम करते हैं, बाज गुनाहों के बारे में स्पेसिफिक हदीस के अंदर आ गया, जैसे लगे में फरमाया लाता कुलु बिशिमाल फइन्ना शैताना याकुलु बिशिमाल, बाएं हाथ से मत खाओ, क्यों? क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खा रहे हैं। हम छोटी चीज समझते हैं, पर अल्लाह के नबी ने फरमाया ये शैतान का तरीका है बाएं हाथ से खाना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह से फरमाया, गालिबन एक रिवायत में आता है कि कैलूला करो, क्योंकि शैतान कैलूला नहीं करता। दाएं हाथ से कुछ देना, बाएं हाथ से कुछ लो दो मत, क्योंकि शैतान जो है वो बाएं हाथ से लेता देता है। इसी तरह फरमाया कि इल्तिफात नमाज में, ये शैतान का हमला है हमारी नमाज के अंदर। यानी हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, नमाज में हमको हुक्म दिया गया है कि हम सजदे की जगह पे देखें, पर आदमी कभी दाएं देख रहा है, कभी बाएं देख रहा है, कभी ऊपर देख रहा है, तो ये क्या है? ये इख्तिलासुन यख्तलिसु शैतानु मिन सलातिल अब्द, ये शैतान डाके डालता है हमारी नमाज पर, हमको नमाज पढ़ने से रोकता है, नहीं रोक पाता तो सोचता है कि नमाज का सवाब कम कर दो। तो उसके लिए वो क्या करता है, जहन में ऐसे ख्यालात डालता है कि हमारी नजरें सजदे की जगह से हट जाएं, आगे देख रहे हैं आप, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, और उतना हिस्सा आपको नमाज का सवाब आपका गायब हो जाता है जब आपकी नजरें यहां वहां दौड़ रही होती हैं। तो फरमाया इन शैताना और इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, उसके रास्ते पर मत चलो। किसी के नक्शे कदम की पैरवी करने का मतलब क्या होता है? आप कभी होता है ना कि कहीं पर आप रेत में जो है किसी तरफ जाते हुए कदम के नक्श देख रहे हैं, तो आपको समझ में आता है कि ये वो रास्ता है जिस पर फला आदमी चला है। तो जब आप उन नक्शे कदम की पैरवी करते हैं तो इसका मतलब आप उसी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो फरमाया जा रहा है शैतान के रास्ते पे मत चलो। अल्लाह फरमा रहा है शैतान के रास्ते पे मत चलो, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है, वो कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेगा, वो किसी चीज का हुक्म इसलिए नहीं देगा कि उसमें तुम्हारे लिए खैर है। अदू कहते ही उसको है जो तुम्हारे नुकसान की चाहत करे। अदुवन का तर्जमा ही उलमा ने किया है कि वो शख्स, वो जात, वो शय, वो आदमी, वो इंसान या वो शैतान, वो जिन्नात जो तुम्हारे नुकसान की चाहत करे, तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे, वो तुम्हारा दुश्मन है। तो शैतान तो किसी छोटी सी नेकी के बारे में भी तुम पर मुतमइन नहीं है, तुमको किसी छोटी नेकी के लिए भी तुमको आजाद नहीं छोड़ रहा। छोटी से छोटी नेकी से अगर तुमको रोक सकता है, वो रोक सकता है। जैसे एक हदीस के अंदर आता है कि बंदा जब इस्लाम कबूल करना चाहता है तो शैतान इस्लाम के रास्ते पर पहले आकर के बैठता है। शैतान हर खैर के रास्ते पर बैठा हुआ है, हर नेकी के रास्ते पर बैठा, तो पहले इस्लाम के रास्ते पर आके बैठता है। बंदा जब इस्लाम कबूल करना चाहता है तो शैतान आकर के कहता है कि तुम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दोगे, अतजरू, क्या तुम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दोगे, इस्लाम कबूल कर लोगे, गुमराह हो जाओगे। लेकिन बंदा शैतान की बात नहीं मानता, इस्लाम कबूल कर लेता है। इस्लाम कबूल करने के बाद हिजरत का मौका आता है, हिजरत के रास्ते पर जाके बैठ जाता है और उससे कहता है तुम हिजरत करोगे और फतजर अर्ज़क व समाअक, अपने आसमान और जमीन छोड़ दोगे। हाँ, और मुहाजिर तो ऐसा होता है जैसे घोड़े को रस्सी से बांध दिया गया हो, तो तुम यही हालत तुम्हारी भी हो जाएगी, कहीं चल फिर नहीं पाओगे, कोई पहचान वाला नहीं होगा, कोई ताउन करने वाला नहीं होगा, अपने कबीले और खानदान को छोड़ के जा रहे हो अजनबी जगह पर, उसको हिजरत से रोकता है। लेकिन बंदा शैतान की नहीं मानता, हिजरत कर लेता है, फिर जिहाद का मरहला आ जाता है। तो शैतान हिजरत के रास्ते से उठ के जिहाद के रास्ते पर बैठ जाते हैं और बंदे से आके कहता है कि तुजाहिद फतुकातल फतुक्तल फतुक्समुल माल वतुनकुल मरा, कि तुम जिहाद करोगे, जिहाद करोगे तो लड़ना पड़ेगा, लड़ोगे तो कतल हो जाओगे, कतल हो जाओगे तो जो माल तुमने जमा किया वह तकसीम हो जाएगा और तुम्हारी बीवी से कोई और निकाह कर लेगा। डराता है, पर यह बंदा जिहाद के मामले में भी शैतान की बात नहीं मानता और जिहाद करता है। तो जब वो जिहाद करता है, अगर जिहाद में मारा जाए तो भी अल्लाह ताला के जन्नत में जाएगा,
जिहाद में ना मारा जाए, अपने घोड़े से गिर के मर जाए, कोई और हादसे में मर जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर भी अल्लाह के यहाँ उसका मकाम शहीदों वाला है और वो जन्नत में अल्लाह तआला सुलह फरमाएगा। तो ये मामला है कि शैतान किसी छोटी सी छोटी नेकी के मामले में तुमको आज़ाद नहीं छोड़ता, वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तो उसके पीछे मत चलो। जब भी तुम इस्लाम को छोड़ोगे, इस्लाम को छोड़ना, इस्लाम का एक मतलब इताअत भी तो होता है, फरमा बरदारी, इस्तिस्लाम, सरेंडर करना। तो इस्लाम आपको अल्लाह के हुक्म के सामने सरेंडर करना सिखाता है, और शैतान अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बगावत करना सिखाता है। उसका तो आगाज ही अल्लाह के खिलाफ बगावत से हुआ है। अल्लाह ताला ने उसको कहा था हजरत आदम को सजदा करो, उसने बगावत किया और इताअत के रास्ते से हट गया। तो इताअत का रास्ता, शैतान का रास्ता, दो अलग अलग रास्ते हैं। जब भी इताअत के रास्ते से हटोगे शैतान के रास्ते पे चले जाओगे। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी मत करो, शैतान के रास्ते पे मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। उसकी दुश्मनी एक तो बिल्कुल वाज़े है, और दूसरा यह है कि वो खुद भी इस दुश्मनी को छुपाने वाला नहीं है, बल्कि इस दुश्मनी को वो खुद भी जाहिर करता है। उलमा ने एक बात तो ये कही उल्फुल सिल्म के मामले में कि इस्लाम के हर हर हुक्म को मान लो। अब कोई बंदा अगर इस्लाम के हर हर हुक्म को मान भी रहे तो भी इस्लाम उससे तकाजा करता है कि अगर मान रहे हो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो भी गए हो, तो भी हुक्म दिया जाता है बाज़ मरतबा इस्तिमरार के लिए कि अगर मान रहे हो तो मानते रहो आगे भी, छोड़ो मत उसको। यानी एक तो है कि अगर नहीं मान रहे, दीन के बाज़ हिस्से को माना है और बाज़ का इनकार किया है, तो सारे सारी चीज़ों को मानो, सब पर अमल करो, सारे जो अहकाम अल्लाह ताला ने दिए सब अहकाम पर अमल करो, और उन अहकाम पर अगर अमल कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करो। तो इसमें अगर ये कहा जाए कि अल्लज़ीन आमनू से मुराद मुसलमान है, तो इसका मतलब उनको इस्तिकामत का हुक्म दिया गया है कि अगर इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो गए हो तो दाखिल रहो, इससे बाहर मत निकलो। जो अहकाम शरीयत की तुम जिन पे अमल कर रहे हो उनको कंटिन्यू करो यहाँ तक कि तुम्हारी मौत आ जाए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत नहीं आनी चाहिए मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। तो अहले ईमान से अगर ये खिताब है तो ये खिताब इसके दो पहलू हैं। पहला ये है कि अगर सारी चीज़ों पे अमल नहीं कर रहे हो तो पूरे दिन पे अमल करो, और अगर पूरे दिन पे अमल कर रहे हो तो इसमें मुस्तकीम रहो, इसमें कायम रहो, इसका इस्तकामत इख्तियार करो। ऐसा ना हो कि इससे बाहर निकल जाओ, क्योंकि शैतान तो तुमको इससे बाहर, अगर अंदर दाखिल नहीं हुए हो तो शैतान तुमको अंदर दाखिल नहीं होने देगा, और अगर दाखिल हो गए हो तो शैतान तुमको खींच रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, तुमको दीन के रास्ते से हटाना चाहता है। तो तुम साबित कदम रहो, इस्तेकामत इख्तियार करो और शैतान के बहकावे में मत आओ। शेख इब्न उसैमीन ने भी ये बात कही है कि इन्नल इंसाना युमरु बिशैई अल्लज़ी हुवा मुतलब्बिसुन बिही बेएतिबारे इस्तिमरारिही अलैही, कि कभी कभी इंसान एक काम कर रहा होता है फिर भी उसको हुक्म दिया जाता है कि ये करो, ताकि वो उस पर मुस्तमिर रहे, वो उसको कंटिन्यू करे, उसको छोड़े ना। जैसे अल्लाह फरमाया अल्लज़ीन आमनू आमिनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो ईमान ले आओ, यानी ईमान में हो अगर तो उस ईमान को कंटिन्यू रखो, इसको छोड़ो मत। तो ये आयत नंबर 208 की तफसीर हुई। फइन ज़ललतुम मिन बादी मा जाअतकुमुल बय्यिनात फअलमू अन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम, फिर अगर उसके बाद तुम फिसल जाओ हालांकि तुम्हारे पास वाज़े दलीलें आ चुकी, तो जान लो कि बेशक अल्लाह गालिब है और हिकमत और हुक्म वाला है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने तुमको कहा है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी मत करो। फइन ज़ललतुम, ज़ललतुम का मतलब होता है कदम का फिसल जाना। तो अगर तुम्हारे कदम इसके बावजूद फिसल जाए, हिदायत का रास्ता अल्लाह ने बता दिया पर तुम्हारे कदम उस हिदायत के रास्ते से हट जाए, मिन बादी मा जाअतकुमुल बय्यिनात, हालांकि तुम्हारे पास वाज़ह दलीलें आ चुकी थी। वाज़ह दलीलें कुरान अल्लाह ताला की सबसे वाज़ह दलील है, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल हैं वो भी अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ह दलील है। तो तुम्हारे पास रसूल भी आ गया, तुम्हारे पास अल्लाह की किताब भी आ गई, इसके बावजूद तुमने इस्लाम के रास्ते से अपने कदम हटा दिए, तुम इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, इस्लाम से तुम्हारा कदम हट गया। फअलमू, तो जान लो अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला अज़ीज़ है और हकीम है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शैतान तो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने दलीलें दी हैं ताकि तुम्हारा कदम इस्लाम के रास्ते से हटने ना पाए, इसके बावजूद अगर तुम हट गए हालांकि तुम्हारे पास वाज़ह निशानियां आ चुकी थीं, तुमने कुरान पढ़ा, तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर के आए, अल्लाह के रसूल के मौजज़ात देखे, इसके बावजूद अगर तुम्हारा कदम इस्लाम के रास्ते से हट गया, फालमू, तो जान लो अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला अज़ीज़ है, अल्लाह ताला हकीम है।
अजीज का मतलब होता है गालिब और हकीम का मतलब होता है हिकमत वाला। यानी फिर अल्लाह ताला जब बदला लेने पर आएगा, अल्लाह तुमको तुम्हारे कुफ्र की सजा देने पर आएगा, तो तुम रोक नहीं सकते अल्लाह को। अल्लाह गालिब है तुम पर, अल्लाह तुमको सजा देने पर कादिर है। तो यहाँ पर अहले ईमान को तंबीह की जा रही है, वईद बताई जा रही है कि इस्लाम के रास्ते से अगर तुम हट गए तो अल्लाह ताला का अजाब भुगतने के लिए, अल्लाह ताला की तरफ से तय की गई सजा चखने के लिए तुम तैयार रहो। अब यहाँ पे आयत में कुछ चीज़ें हैं, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अज़ीज़ु हकीम, बेशक अल्लाह ताला अजीज है। अजीज दो मानों में है, तीन माने बल्कि अजीज के उलमा ने बयान किए। शेख इब्न उसैमीन ने अजीज की तफसीर करते फरमाया लहु सलासतु मआनी, अजीज के तीन माने, इज्जत कुद्र, इज्जत कद्र, इज्जत कहर और इज्जत इम्तना। अजीज, इज्जत का असल मतलब होता है ताकत, गलबा, कुव्वत। तो फरमाया अल्लाह ताला की जो अल्लाह को अजीज कहा गया, इस अजीज के तीन माना है। एक तो कद्र के एतबार से अल्लाह अजीज है, दूसरा कहर के एतबार से अजीज है, तीसरा इम्तना के एतबार से अजीज है। अब इन तीनों की तफसीर भी की है शेख रहमतुल्लाह ने, फरमाया फइज्जतुल कद्री ऐ अन्नहु अज़्ज़ा वजल अज़ीमुल कद्री। तो इज्जतुल कद्र का मतलब अल्लाह ताला की जो कद्र है, कद्र का मतलब होता है वैल्यू, कद्र का मतलब होता है मकाम, कद्र का मतलब होता है मर्तबा। तो अल्लाह अजीजुल कद्र है, यानी आला मकाम वाला है, आला वैल्यू वाला है, ऊंचे मनसब वाला है, गालिब है अल्लाह ताला। अल्लाह ने इसके बारे में फरमाया वमा कदरुल्लाह हक कद्रिही, इन्होंने अल्लाह ताला की कद्र नहीं की जैसा कि अल्लाह की कद्र का हक था। वल अर्द जमीन कब्जत हुई यौम अल क़ियामा, और जमीन पूरी की पूरी क़यामत के दिन अल्लाह के कब्जे में होगी। तो एक माना तो यह है कि अजीज का एक मतलब अल्लाह की, अल्लाह का मनसब बहुत बुलंद है, अल्लाह का मकाम बहुत बुलंद है, अल्लाह की कद्र बहुत बुलंद है। दूसरा इज्जतुल कहर, अल्लाह ताला कहर वाला है, इज्जत अल्लाह की कहर के एतबार से अजीज है, और कहर का मतलब होता है गलबा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब है, कोई चीज उस पर उसको मगलूब नहीं कर सकती। और ये सबसे ज्यादा वाज माना है अजीज का, इसलिए आमतौर पर अजीज जब लफ्ज आता है तो उसका तर्जमा गालिब से ही किया जाता है। और ये देख रहे हैं कि जो मुफस्सिर है उन्होंने भी गालिब से ही तर्जमा किया है, क्योंकि सबसे वाज़े माना है कि अल्लाह ताला गालिब है, गलबे वाला है, कोई उसको हरा नहीं सकता, कोई उसको आजीज नहीं कर सकता। और तीसरा माना है इज्जतुल इम्तना, इम्तना का मतलब होता है अल्लाह ताला इतना ताकतवर है कि उसको कोई वो रोक सकता है, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती। इम्तना का मतलब होता है ठहरना, पैद, इम्तना का मतलब होता है रोकना। तो अल्लाह अय्यनालहुसुर, वो उसको कोई बुराई नहीं पहुंच सकती, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती। जो ताकतवर होता है वो हर किसी को हरा देता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अल्लाह ताला कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। इसी से अर्ज एजाज ऐसे जमीन को कहा जाता है जो बहुत बहुत पुख्ता जमीन हो और उसके चलने वाले के कदम के निशान उस जमीन पर ना आते हो, तो उसको कहा जाता है अर्जुन एजाज। ये अजीज जमीन है, यानी सख्त जमीन है। तो अल्लाह ताला की इज्जत के तीन माना उलमा ने बयान किए, उसमें से तीसरा माना यह है इज्जतुल इम्तना, कि अल्लाह ताला इतना ताकतवर है कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला की निशानियां आने के बाद भी गुमराह हो जाओ तो जान लो कि अल्लाह ताला अजीज है, गलबे वाला है। यानी क्या है कि वो अपनी, यानी कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्या है, बाप जो है वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तुमको ये काम नहीं करना है, और अगर तुमने किया तो फिर मेरा गुस्सा तो तुम जानते हो। हाँ, फालम, जान लो अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, कि अल्लाह ताला गालिब है। अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह से बच के कहीं नहीं जा सकते। अल्लाह जब पकड़ने पर आएगा इन बतश रब्बी का लशदीद, बेशक आपके रब की पकड़ बहुत शदीद है। तो जब अल्लाह पकड़ने पर आएगा तो उसकी पकड़ से तुम बच नहीं पाओगे। तो कुरान सूरह रहमान में जगह फरमाया ना, तनफुदू मिन अक्तारिस समावाती वल अर्द ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान, कि अल्लाह की नाफरमानी करके भागो, अल्लाह की पकड़ से भाग के कहाँ जाओगे। भाई दुनिया में हिंदुस्तान में बहुत सारे फराडी होते हैं, हिंदुस्तान का पैसा लूट करके लंदन में जाके बैठ जाते हैं, और हिंदुस्तान की हुकूमत अपनी सारी चाहतों के बावजूद कुछ नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की हुकूमत कितनी भी पावरफुल हो, उनकी सारी ताकत एक सरहद तक के महदूद है, सरहद के बाहर उनकी नहीं चलती, वहां की पुलिस उनकी नहीं सुनती, वहां की हुकूमत उनकी नहीं सुनती। तुम अल्लाह की नाफरमानी करके कहां जाओगे? फन वुदू मिन अख्तारिस समावाती वल अर्ज़, आसमान और जमीन की जो अख्तार है, हदें हैं, क्या उनको तोड़ के कहीं चले जाओगे?
अल्लाह की मिल्कियत की तो कोई हद नहीं है, अल्लाह के मुल्क की तो कोई हद नहीं है कि ये अल्लाह की सरहद इसको क्रॉस कर दोगे तो इसके आगे अल्लाह ताला की नहीं चलती, वहां अल्लाह का हुक्म नहीं नाफिज होता, वहां अल्लाह का अजाब नहीं आ सकता, कहां भाग करके जाओगे? फालम, तो जान लो, यानी ये बड़ी शदीद वईद है। यानी अल्लाह ताला फरमाता कि मैं अजाब दूंगा, वो इतनी शदीद वईद नहीं होती, ये बड़ी सख्त अल्फाज है कि अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो जान लो कि फिर अल्लाह ताला तो बड़ा गालिब है। कौन सा अजाब है जो अल्लाह देना चाहेगा, तुम रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। अल्लाह ताला अगर तुमको अजाब देने पर आए तो तुम क्या अल्लाह के अजाब का मुकाबला कर सकते हो? हाँ, कैसे? वो कुरान की सूरह मुल्क की आयत है, हाँ, कि कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा अल्लाह के मुकाबले में अगर अल्लाह अजाब देने पर आए? हाँ, तो कोई है तुम्हारी मदद के लिए कि उसका थोड़ा सा सहारा ले लो और वो तुमको अल्लाह के अजाब से बचा लेगा? कैसे? वो अफमन हाजल लदी यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, कि कौन है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा अगर अल्लाह ताला तुमको अजाब देने पर आए? तो कोई ऐसा तो नहीं ना कि थोड़ा सा कोई मदद करने के लिए तुम्हारी आ जाए, चलो ठीक है थोड़े देर अल्लाह ताला के अजाब का मुकाबला तुम कर सकते हो। अल्लाह बहुत गालिब है। अल्लाह के अजाब का जब मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह की नाफरमानी क्यों करते हो? है ना, खुलासा यही है कि जब तुम अल्लाह के अजाब का मुकाबला नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला की नाफरमानी भी मत करो। तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करके अल्लाह के अजाब से बचकर, बड़ी प्यारी आयत है, अम्मन हाज़ल लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, कौन है जो रहमान के मुकाबले में फौज बनकर के तुम्हारी मदद करे? कोई है ऐसी फौज कि जब अल्लाह ताला तुमको अजाब देने पर आए तो एक फौज तुम्हारे सामने ला करके खड़ा कर दे? नहीं कर सकते। आमीन तुम मन फिस समा यख्सिफा बिकुमुल अर्ज, जो आसमानों पर है क्या तुम उससे इतना अपने आप को मामून समझते हो? वो चाहे तो तुमको जमीन में थसा दे या आसमान से पत्थरों की बारिश कर दे, क्या करोगे उसके मुकाबले में तुम? वो तो गालिब है, तो कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। वो तुमको मौत से दे सकता है, तुमको हजार बार मौत दे सकता है, तुमको जहन्नम में डाल सकता है, तुमको जो अजाब देना चाहे दे सकता है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो नाफरमानी करते हुए जरा सोचो तो सही कि किसकी नाफरमानी कर रहे हो। बगावत करते हुए तुमको एहसास होता है कि तुम किससे बगावत कर रहे हो? वो कितना तुम पर गलबा रखता है, कितना तुम पर कादिर है? जब बंदा गुनाह करते हुए अल्लाह की कुदरत को सोच लेता है ना, तो अल्लाह की कुदरत और अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस पर कादिर होने का एहसास उसको गुनाहों से रोक देते हैं। याद आ रहा है मुझे कि एक हदीस ऐसी है कि किसी साहबी ने जो है ना, वो एक मरतबा अपनी किसी लौंडी को मार दिया या किसी गुलाम को मार दिया, तालिबन लौंडी को मार दिया किसी बात पे, तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तुम पर उससे ज्यादा कादिर है जितना तुम इस लौंडी पे कादिर हो। यानी इस लौंडी पे जुल्म कर रहे हो, तुमको लगता है मैं कादिर हूँ तो मैं जो भी चाहूँ करूँ, लेकिन याद रखो अल्लाह तुम पर ज्यादा कादिर है, अल्लाह भी तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता है। वो इतना डर गए इस बात से कि उन्होंने उस लौंडी को ही आजाद कर दिया। गुनाह करते हुए अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के गलबे, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की अजाब की शिद्दत, अल्लाह की पकड़ की सख्ती को बंदा अगर महसूस कर ले तो नाफरमानी से बच जाए। तो इसलिए कहा जा रहा है अगर तुम इसके बावजूद तुम्हारे कदम बहक जाए, हालांकि अल्लाह ताला ने हिदायतें तुम्हारे पास भेज दी थी, वाज़ेह निशानियां तुम्हारे पास आ गई थी, फालमु, तो जान लो अन्नल्लाह अज़ीज़ुन, अल्लाह अजीज है, हकीमुन, और हिकमत वाला भी है। हिकमत वाला भी है, वो जानता है कि कौन अजाब का मुस्तहिक है, कौन अजाब का मुस्तहिक नहीं है। या हकीम हुक्म वाला भी है, उसी का हुक्म चलता है, तो उसके हुक्म से बाहर तुम नहीं जा सकते। अच्छा, इस आयत से हमको कुछ बातें और पता चली। एक बात तो ये पता चली कि आलिम का गुनाह जाहिल के गुनाह से ज्यादा बड़ा होता है। आलिम के गुनाह की खतरनाकी जाहिल के गुनाह की खतरनाकी से ज्यादा बड़ी होती है ना। फरमाए तुम्हारे पास हिदायत आने के बाद, निशानियां आने के बाद अगर तुम फिसल जाओ तो अल्लाह ताला बहुत गालिब है, याद रखो। मतलब क्या है, एक आदमी जिसको निशानियां पता है, उसके पास दलीलें आ गई, उसको अल्लाह ताला की अजाब की शिद्दत पता है, उसको गुनाहों और नाफरमानियों की फहरिस्त पता है, कौन कौन सी चीजें अल्लाह की नाफरमानी है। जानने वाला जब गुनाह करता है तो उसके गुनाह की शिद्दत ज्यादा होती है। जिसके पास बयकीनात ना हो, दलीलें ना हो, उसका अगर कदम फिसल जाए तो मुमकिन है अल्लाह ताला उसको माफ फरमा दे, उसकी जहालत अल्लाह ताला के यहाँ काबिले कबूल उज्र बन जाए उसके लिए। तो आलिम का गुनाह ज्यादा शदीद होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बयीनात का इल्म होता है, वो अल्लाह ताला की वईदे उसने पढ़ी हुई होती हैं, उसने अल्लाह ताला की दलीलें देखी हुई होती हैं, तो आलिम का गुनाह ज्यादा शदीद होता है। इसी तरह इस आयत से पता चला कि अल्लाह ताला का अजाब हुज्जत के कायम होने के बाद आता है। अल्लाह ने फरमाया कि दलीलों के आने के बावजूद भी तुम्हारे कदम अगर फिसल गए तो फिर जान रखो कि अल्लाह ताला गालिब है। यानी अगर किसी के पास दलीलें नहीं आई और जहालत की वजह से उसने कोई गुनाह का काम कर लिया
तो अल्लाह ताला के यहाँ मुमकिन है कि अल्लाह का उसका उज्र कबूल करे और उसको सजा ना दे जब तक उस पर हुज्जत कायम ना हो जाए। इसकी बहुत सारी दलीलें कुरान मजीद के अंदर कि बगैर हुज्जत के कायम किए हुए अल्लाह ताला का अजाब नहीं आता, उसमें से एक दलील ये भी अल्लाह ने फरमाया दलीलें आने के बावजूद भी अगर तुम्हारा कदम फिसल गया तो जानो कि अल्लाह ताला अजीज हकीम है, मतलब अगर दलीलें तुम्हारे पास नहीं आई थी तो हो सकता है कि तुम्हारे कदम का फिसलना अल्लाह ताला उस पर तुमको अजाब ना दे, तुम्हारे उजुल को कबूल कर ले। जैसा कि हदीस के अंदर आता है कि चार लोग अल्लाह ताला की हुज्जत कायम करेंगे, पागल आदमी और गूंगा बहरा आदमी और छोटा बच्चा और ऐसा शख्स जो फितरा में पैदा हुआ था रसूलों के, वो अल्लाह ताला के, क्योंकि उसके पास दलील नहीं पहुंची थी, या तो दलील पहुंची नहीं या दलील पहुंची थी लेकिन उसके अंदर उन दलीलों को समझने की सलाहियत नहीं थी, तो अल्लाह ताला उनको अजाब नहीं देगा। हालांकि कदम उनके भी फिसले थे, दुनिया में कुफ्र उन्होंने भी किया था, लेकिन क्योंकि उनके पास बय्यिनात नहीं था तो अल्लाह ताला उनको, अल्लाह ताला ने उसूल अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक कि उन पर हुज्जत कायम ना हो जाए, और क्योंकि उनके पास बय्यिनात नहीं आई थी तो अल्लाह ताला उनको अजाब नहीं देगा, तो जब तक कि हुज्जत कायम ना हो जाए अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नहीं आता। एक आयत इससे हमको एक बात ये भी पता चली, और दूसरी बात ये पता चली कि अल्लाह ताला के सिफात की इल्म हासिल करना ये वाजिब है हम पर। अल्लाह ने फरमाया फअलमु, जान लो अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, कि अल्लाह ताला अजीज और हकीम है, मतलब अल्लाह ताला की सिफात का इल्म हासिल करना चाहिए। हमको हुक्म दिया गया कि हम अल्लाह ताला के सिफात को, अल्लाह ताला के नामों को समझें, अल्लाह ताला के नामों पे गौर व फिक्र करें। ये सिर्फ इल्म हासिल करना मालूमात की हद तक नहीं है, बल्कि इनको जानें, इन पर ईमान लेकर के आए, इन पर यकीन करें और इनके असरात जो होते हैं उनको हम कबूल करें। तो फरमाया फअलमु, जान लो इन्नल्लाह अजीज, यानी एतराफ, जानने का मतलब है कि जान करके एतराफ भी करो, और उसको शेख इब्न उसैमीन ने बड़ी प्यारी लफ्ज इस्तेमाल किया है कि फअलमु इल्म एतराफिन व इकरार व कबूलिन व इदान। जान लो का मतलब क्या होता है कि इल्म एतराफ, जानो मतलब एतराफ करो, इकरार करो, कबूल करो और उसके लिए झुक जाओ, उसको तस्लीम करो। तो अल्लाह ताला ने हमको अपने अस्मा जानने का, अपने अस्मा का, अपने नामों का इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है, और ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हमारे यहाँ बड़ी कोताही पाई जाती है। अल्लाह ताला के नाम अव्वलन तो बहुत सारे लोग जानते नहीं है, और जो लोग जानते भी हैं तो उन नामों की गहराई से वाकिफ नहीं, यानी फिकहुल अस्मा से वाकिफ नहीं है, उन नामों की फिक्र उनके पास नहीं है, उनको गहराई से नहीं समझते। तो ये गोया कि अल्लाह ताला ने बाकायदा हमको हुक्म दिया है फअलमु अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और ऐसी कुरान की बहुत सारी आयतें जिनमें अल्लाह ताला के अस्मा को जानने और समझने का हमको हुक्म दिया गया। इससे बात भी पता चली कि अल्लाह ताला के अस्मा सिर्फ नाम नहीं होते बल्कि उन नामों के साथ साथ वो सिफत भी होते हैं और उनके असरात भी होते हैं। जब अल्लाह ने फरमाया जान लो अल्लाह अजीज हकीम है, अगर तुम गुमराह हो जाओ तो जान लो अल्लाह अजीज का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला अपनी इज्जत की वजह से तुमसे बदला लेगा अपने नाफरमानी का। यहाँ पे असल में उन लोगों को रद्द करना मकसूद है, यानी एक तबका मुसलमानों में ऐसा भी है जो कहता है कि अल्लाह ताला के नाम तो है पर ये नाम सिर्फ आलाम है, औसाफ नहीं है, यानी ये नाम तो है पर इनका कोई माना नहीं है। जैसे मोतजिला कहते हैं कि ये नाम तो होते हैं पर इन नामों का कोई माना नहीं होता, ये सिर्फ आलाम होते हैं। लेकिन इस तरह की आयतें इस बात की दलील होती है मोतजिला के खिलाफ जो कहते हैं कि नाम सिर्फ नाम होते हैं, उनका कोई माना नहीं होता। यहाँ नाम का एक माना है और मजमून से उस माना की एक मुताबिकत है। वहल यंजुरूना, और वो नहीं इंतजार कर रहे, इल्ला अय्यातियहुमुल्लाह, मगर सिवाय इस बात के और किसी चीज का इंतजार वो नहीं कर रहे कि उनके पास अल्लाह आ जाए। फिजुल अलीम मिनल गमाम, बादल के साहिबानों के साथ, वल मलाइका, और फरिश्ते आ जाएं, व कुज़ियल अम्र, और मामला तमाम कर दिया जाए, काम तमाम कर दिया जाए, व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। अब अल्लाह ताला मुशरिकीन के बारे में फरमा रहे हैं कि हल यंजुरूना इल्ला, ये नहीं इंतजार कर रहे। नजारा का असल मतलब तो होता है देखना, जब उसके बाद इला का सिला आता है, यानी नजारा के बाद जब इला आता है तो उसका मतलब होता है देखना। जैसे कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वजूह यौमैदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, उस दिन चेहरे सरसब्ज व शादाब होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। तो नजारा जब इला के साथ आता है तो उसका माना होता है देखना, और जब बगैर किसी सिला के आता है तो उसका मतलब होता है इंतजार करना। तो फरमाया हल यंजुरून, ये सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, यानी दलीलें तो इनके पास आ गई हैं लेकिन अब ये क्या चाह रहे हैं कि डायरेक्ट अल्लाह आ जाए। बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर के कहते हैं कि भाई तुम कह रहे हो अल्लाह आएगा, कयामत आएगी, तो क्यों नहीं आ रही कयामत, क्यों नहीं आ रहा अल्लाह, क्यों नहीं फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं? तो ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं इल्ला अय्यातियहुमुल्लाह, यानी इतनी दलील अल्लाह ने दे दी, इतनी दलील अल्लाह के रसूल ने दे दी, कुरान नाजिल हो रहा है इनकी आंखों के सामने, और कुरान एक ऐसी किताब है जो सबसे बड़ा सबूत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का, सारी दलीलों के बावजूद ये किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं हम आंखों से देखेंगे तो मानेंगे,
हमको अल्लाह ताला को दिखाओ, अल्लाह ताला खुद नाजिल हो जाए, वही होगी, नाजिल होगी तो हम नहीं मानेंगे। जैसे मुशरिकीन जो हजरत मूसा की कौम के लोग थे, उन्होंने कहा था नर अल्लाह जहरा, हम नहीं मानेंगे जब तक कि अपनी आंखों से अल्लाह ताला को ना देखें। तो ये भी क्या इंतजार कर रहे हैं, बार बार अल्लाह के रसूल से मुतालबा करते हैं, हल यंजुरून, ये इंतजार कर रहे हैं, इल्ला अय्यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुलालिम मिनल ग़माम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बादल के साहिबानों के साथ आ जाए। कि अब इसी का इंतजार कर रहे हैं, ये बार बार अल्लाह के रसूल से बोलते भी थे कि भाई तुम कहते हो कि अगर तुम्हारी बात ना मानी जाए तो क़यामत आएगी, अजाब आ जाएगा, तो वो अजाब क्यों नहीं आ रहा, हम तो अजाब का इंतजार कर रहे हैं, हम तो नाफरमानी कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे साथ बगावत कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं तुम्हारी दावत का, तो वो अजाब जिसका तुम वादा कर रहे हो वो लेकर के आओ, वो दिखाओ हमको वो अजाब कहाँ है। हाँ, उसकी तस्मा कमा राम था, आसमान तुम बोल रहे हो बार बार आसमान फट जाएगा, तो क्यों नहीं फट रहा है आसमान, हम तो देखो नाफरमानी कर रहे हैं, तुम कहते हो पुरानी कौमों ने नाफरमानी की तो उन पर अजाब आया, तो हम तो इतने सालों से तुम्हारा इनकार कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, तो अजाब क्यों नहीं आ रहा। अल्लाह उन्हीं को खिताब करते हुए फरमा रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह खुद आ जाए, फी दुलली मिनल गमाम, बादल के साहिबानों के साथ। यहाँ पे फी का लफ्ज आया है, और फी का माना आमतौर पर मे से किया जाता है, लेकिन यहाँ हम फी का तर्जमा मे से नहीं करते। हालांकि बहुत सारे उर्दू के आज तराजिम मैंने देखे, तकरीबन सारे लोगों ने फी का तर्जुमा मे से किया है, लेकिन हम यहाँ मे तर्जमा नहीं कर रहे, क्योंकि एक उसूल अकीदे का है, उसको आप याद रखें कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक के ऊपर है। पहली बात तो हर मखलूक नीचे है, अल्लाह तमाम मखलूकात के ऊपर है। कुरान मजीद में इसकी बेशुमार दलीलें हैं, अल्लाह को फरमाया अल्लाह अली है, बुलंद है, तो बुलंद वो होता है जो ऊपर होता है, तो अल्लाह ताला के ऊपर की कोई मखलूक नहीं, जो भी मखलूक है अल्लाह की वो अल्लाह के नीचे है, अल्लाह ताला उनके ऊपर है, फौकियत उलू। और इसका बहुत सारी कुरान की दलीलें हैं, अल्लाह के नबी की हदीस से दलीलें हैं, बेशुमार किस्म के दलाइल है, इजमा है इस पर, बल्कि हमारी फितरत का भी तकाजा है कि हम अल्लाह को ऊपर मानते हैं, इसलिए जो काफिर भी होता है वो भी ऊपर वाला ही कहता है, तो अल्लाह ऊपर है, पहली बात तो ये, और मखलूक जो है वो नीचे है। दूसरी बात यह है कि मखलूक अल्लाह का इहाता नहीं कर सकती, अल्लाह को नहीं घेर सकती, है ना, अल्लाह हमने मखलूक को घेरा हुआ है पर मखलूक अल्लाह को नहीं घेर सकती। अगर हम कहें अल्लाह आसमानों बदलियों में नाजिल होगा, तो इसका इसका मतलब ये हो रहा है कि बदलियां उसने अल्लाह ताला को घेर लिया है, और कोई भी मखलूक अल्लाह का इहाता नहीं कर सकती, अल्लाह को घेर नहीं सकती। इसलिए अगर ये तर्जमा किया जाए, ये तर्जमे की बारीकियां होती हैं, खासतौर पर हमारे वो तलबा जो कुरानी अरबिक पढ़ते हैं, और उनको बाज मरतबा जहन में होता है कि बस हमने क्योंकि फी का ट्रांसलेशन हमने समझ लिया है तो अब हम कुरान तर्जमा करने के लायक हो गए, उनको समझना चाहिए कि तर्जमे में इस तरह की बारीकियां भी होती हैं जिनकी रियायत करनी पड़ती है, और इसका तर्जमा करने वाले के लिए इतना काफ़ी नहीं कि वो जबान का माहिर हो, उसके साथ ये भी काफ़ी है कि वो ज़रूरी है, काफ़ी नहीं बल्कि ज़रूरी है कि वो अकीदे का भी माहिर हो, फिक का भी माहिर हो, क्योंकि तर्जमे में इस तरह की बारीकियां भी होती हैं। मैंने देखा जितने उर्दू, इवन ये तर्जमा जो मैं भटवी साहब का लेता हूँ, उसमें भी तर्जमा जो उन्होंने मे से किया था, जिसको मैंने तब्दील करके साथ किया हुआ है, तो मे जब हम बोलते हैं ना अल्लाह ताला बदलियों में आएगा, तो तर्जमे में ये एहसास होता है कि गोया बदलियों ने अल्लाह ताला को घेरे हुआ होगा। फिर दोलली, दोलल का मतलब होता है साया, और गमाम का मतलब होता है बदलियां, तो अल्लाह ताला बदलियों के साए में आएगा, तो उससे बादल के साए में आएगा, तो ऐसा लगता है कि बादल ऊपर है और अल्लाह ताला उसके नीचे है, या साए ने अल्लाह ताला को घेरा हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है। इसलिए फी का तर्जमा साथ के साथ किया गया, और कुरान मजीद में इसकी मिसालें मिलती हैं जिसमें फी जो है वो माँ के माना में आया। एक आयत में जरा सा जहन भी मेरे वायत आई, मैं आपको वो आयत नंबर बताता हूँ। हाँ, अल्लाह ताला ने सूरह, ये है सूरह आराफ की आयत नंबर 38। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर फरमाया, قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ। यहाँ पर फी जो है वो माँ के माने में आया है कि जहन्नमियों से कहा जाएगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि जो जहन्नमी हैं, क़यामत के दिन उनसे कहा जाएगा, उदखुलु फी उममिन, दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो फिरके तुमसे पहले गुजर चुके हैं जिन्नात में से भी और आदमियों में से भी, उनके साथ तुम भी दोजख में जाओ। ये अल्लाह ताला जहन्नमियों से कहेगा कि जो तुम्हारे तुमसे पहले, काल दखुलू, दाखिल हो जाओ, फी उममिन, उन जमातों के साथ, कद खलत मिन कब्लिकुम मिन अल जिन्नी वल इंस, जो जिन्नात और इंसान में तुमसे पहले गुजर चुके हैं, फिन्नार, जहन्नम में। तो यहाँ पर फी जो है वो किस माना में आया है, माँ के माना में आया है। तो अगर कोई ये सवाल कह दे कि फी माँ के माना में आया है, इसकी दलील क्या है, तो ये सूरह आराफ की आयत नंबर
31। इसी तरह फी जो है वो कभी कभी अला यानी पर के माने में भी आता है, और इसकी भी कुरान मजीद में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। जैसे एक आयत है वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नखली, या सीरू फिल अर्ज। सीरू फिल अर्ज का तर्जमा क्या होगा? जमीन पर चलो। बारकल्लाहु फीकुम। तो यहाँ पे फी का तर्जमा सीरू फिल अर्ज से किससे किया जाता है? जमीन पर चलो, ना कि जमीन में चलो। जमीन के अंदर कोई नहीं चलता, जमीन के ऊपर चलते हैं, लेकिन फी का तर्जमा हम पर से करते हैं। तो फी जो है वो कभी मे के माने में भी आता है, कभी माँ के माने में भी आता है, और कभी अल्लाह के माने में भी आता है। तो यहाँ पर हम फी का तर्जमा क्यों नहीं कर रहे हैं मे से? क्योंकि मे में माना यह पाया जा रहा है कि बादल का जो साहिबान होगा, जो बादल का साया होगा, उसने अल्लाह को घेरा हुआ होगा या अल्लाह ताला के ऊपर होगा, तो अल्लाह ताला को उसकी कोई मखलूक घेर नहीं सकती। इसलिए हम फी दुलली मिनल गमाम का तर्जुमा फी अल्लाह ताला बादलों के साये पर होगा या बादलों के साये के साथ आ जाएगा। तो ये बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं, इनको डरा रहा है कि इस बात का इंतजार कर रहे हैं। अय्यातियहुमुल्लाह फी दुलली मिनल गमाम, कि अल्लाह ताला बादल के, बादल कहते हैं जो सफेद बादल होता है, बादल को बादल कहा गया जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के आने से पहले वो बाद आसमान फटेगा। यौम तशक्कक़ु समाउ बिल ग़माम, कि तो अब वो बादल कैसा होगा? आखिरत की हर चीज़ जो है ना वो दुनिया की चीज़ से मुख्तलिफ होगी, तो वो खास तरह का बादल होगा, वो फटेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन आएगा, अल्लाह ताला आएगा, अल्लाह ताला तशरीफ लाएंगे, वल मलाइका और फरिश्ते भी नाजिल होंगे, फरिश्ते भी आएंगे, सफ़न सफ़ा, अल्लाह ने फरमाया सफ़ दर सफ़ फरिश्ते नाजिल होंगे। अब वो अल्लाह, इससे एक बात ये हमको पता चली कि आना ये अल्लाह ताला की एक सिफत है, इतियान ये अल्लाह ताला की एक सिफत है। और कुरान मजीद में एक यही आयत नहीं, इसके अलावा भी आयतों से ये पता चलता है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला आएगा। अल्लाह ने फरमाया वजा रब्बुका वल मलकु सफ्फन सफ्फा, और आया तेरा रब यानी आएगा तेरा रब और फरिश्ते सफ दर सफ। तो हम अल्लाह ताला की जिन सिफात का अकीदा रखते हैं, और अहले सुन्नत वल जमात का यही मामला है कि वो अल्लाह ताला के इस तरह की जो सिफात आते हैं उनकी कोई तावील नहीं करते, और जो आयत का माना है हम वही बयान करते हैं कि अल्लाह ताला आएगा। मजी ये अल्लाह ताला की सिफत है, इतियान ये अल्लाह ताला की सिफत है, आना ये अल्लाह ताला की सिफत है। जितना अल्लाह ने बता दिया हम मान लेते हैं। अब आने की कैफियत क्या होगी, कैसे आएगा अल्लाह ताला, क्योंकि कैफियत बयान नहीं की गई, तो कैफियत पर हम कोई बात नहीं करते। हम अल्लाह की जितनी सिफत आती है अहले सुन्नत वल जमात उसको मान लेते हैं, और उसकी कोई तावील नहीं करते, उसका इनकार भी नहीं करते, उसकी कैफियत के बारे में कोई बात भी नहीं करते। अलबत्ता इतना कहते हैं कि अल्लाह ताला का आना मखलूक के आने की तरह नहीं है, क्योंकि अल्लाह अपने मखलूक के मुशाबे नहीं है, अल्लाह अपने मखलूक के मुमासिल नहीं है, तो अल्लाह ताला मखलूक की तरह तो नहीं आएगा। अब अल्लाह का आना कैसा है अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह ने बताया कि वो आएगा तो हम मान लेते हैं कि अल्लाह आएगा। ये वो अकीदा है जो सलफ का अकीदा था, ये वो अकीदा है जो अहले सुन्नत और जमात का अकीदा है। और इस अकीदे के खिलाफ जो गुमराह लोग हैं वो इन आयतों की तावील करते हैं। मसलन ये कहा जाता है यहाँ पर आने से मुराद अल्लाह का हुक्म आ जाएगा, आने से मुराद अल्लाह आएगा नहीं अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, या अल्लाह का कलाम आएगा, या अल्लाह का फैसला आएगा, इस तरह की बहुत सारी तावील की गई है। लेकिन देखिए आयत में तो कहीं नहीं लिखा कि अल्लाह का फैसला आएगा, या अल्लाह ताला का कलाम आएगा, या अल्लाह के फरिश्ते आएंगे। अब ये देखेंगे कि जो तावील करने वाले लोग हैं वो इस तरह की आयतों को ही कहते हैं कि नहीं अल्लाह की शान के खिलाफ है कि वो आए, तो कहते हैं नहीं यहाँ पे मुराद अल्लाह का आना नहीं, तो फिर क्या मुराद है? फिर ये तावील करते हैं कि आने से मुराद अल्लाह का हुक्म आएगा, या अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, या अल्लाह का फैसला आएगा। तो ये क्या हो गया, ये गोया कि अल्लाह ताला की आयत का इनकार हो गया। अल्लाह कहे कि अल्लाह आएगा, ये कहते नहीं अल्लाह नहीं आएगा, है ना। पहले हकीकी माना का इनकार करते हैं कि अल्लाह नहीं आएगा, फिर क्या होगा, अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, या अल्लाह का हुक्म आएगा, या अल्लाह का कलाम आएगा, या अल्लाह का फैसला आएगा, या अल्लाह का अजाब आएगा, जो भी आप तावील कर दें। जब तक आयत का जो जाहिरी माना है उसका इनकार नहीं करेंगे आप तावील नहीं कर सकते, क्योंकि तावील जो है वो इनकार के बाद ही होती है। हकीकी माना का इनकार करने के बाद ही, जाहिरी माना का इनकार करने के बाद ही आप तावील कर सकते हैं। तो जो गुमराह फिरके हैं सिफात के बाद में जिन्होंने तावील का रास्ता इख्तियार किया, वो इस सिफत का इनकार करते हैं। पहले कहते नहीं इतियान से मुराद अल्लाह आएगा, अल्लाह नहीं आएगा, पहले तो वो कहते इनकार करते हैं, फिर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, तातील करते हैं पहले, फिर तातील के बाद अगला स्टेप क्या होता है, तावील करते हैं कि अगर अल्लाह ताला नहीं आएगा तो ये तो कुरान मजीद में अल्लाह ने साफ साफ फरमाया कि अल्लाह आएगा, तो वो कहते हैं कि यहाँ अल्लाह के आने से मुराद अल्लाह का अजाब आएगा। पर अल्लाह के बंदो यहाँ पर ये थोड़ी लिखा अल्लाह का अजाब आएगा, जहाँ पे अल्लाह ताला ने अजाब का जिक्र किया वहां तो बताया कि अल्लाह का अजाब आएगा, जहाँ पे अल्लाह ने अपने अम्र का जिक्र किया है वहां पर तो अखा है कि अल्लाह ताला काम बनाएगा। पर यहाँ तो साफ साफ फरमा रहा है अय्यातियहुमुल्लाह, अल्लाह ताला आएगा, अल्लाह ताला आएगा, बदली के साहिबानों के साथ आएगा, वल मलाइका और फरिश्ते भी आएंगे। ये सिर्फ इस एक आयत के साथ नहीं है,
वो सारी आयतें जिसमें अहले तावील की अकल ये समझती है कि अल्लाह के शान के खिलाफ है, वो ऐसी तावील करते हैं। जैसे मैंने सूरह बकरा की आयत अभी आपके सामने पेश की थी ना, अमीन तुम मन फिस समा, जो अल्लाह आसमानों पर है क्या तुम उससे अपने आप को मामून समझते हो, महफूज समझते हो कि वो तुमको जमीन में धंसा दे। अब क्योंकि ये अल्लाह के आसमान पर होने का इनकार करते तो कहते हैं मन फिस समा से मुराद एक फरिश्ता है आसमान पर, जो ये अल्लाह मुराद नहीं है। अब सोचिए आप तक आज तक आपने शायद क्या मतलब समझा होगा कि अल्लाह मुराद है, पर क्योंकि वो अल्लाह के अर्श पर होने का, आसमानों के ऊपर होने का इनकार करते हैं तो बोलते हैं मनफी समाज से मुराद की आसमान पे फरिश्ता है तो क्या तुम उससे डरते नहीं हो। हाँ, तो ये क्या होता है, जो मुअव्विला हैं, तावील करने वाले अहले तावील, वो असल में अहले तहरीफ हैं, वो असल में कुरान की तहरीफ करते हैं। लफ्ज की तहरीफ तो नहीं कर सकते तो माना की तहरीफ कर देते हैं। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह आएगा तो वो कहते हैं अल्लाह का फरिश्ता आएगा या अल्लाह का आजाब आएगा। और ये एक लंबी बहस है जो हम आमतौर पर अकीदे की किताबों में पढ़ते हैं, अकीदा वास्तिया में या अलकवायदुल मुस्ला में पढ़ते हैं बहुत तफसील से, और इन लोगों का बहुत तफसील से रद्द पढ़ते हैं। एक जरा सा मैं बस इस वक्त आपको इशारा ही करना चाहता हूँ, वरना ये बहुत इल्मी बहस है, और बहुत शिद्दत के साथ जो हमारे उलमा हैं अहले सुन्नतुल जमात के जो सलफ हैं उन्होंने रद्द किया है, और सलफ में से किसी से भी ये बात साबित नहीं है। सलफ सारे के सारे मानते हैं कि अल्लाह आएगा, आने को मानते हैं, आने का जो माना होता है वो सबको पता है, तो माना मालूम है, कैफियत मजहूल है, उसके बारे में सवाल करना बिदअत है। हम माना को तस्लीम करते हैं, कैफियत के बारे में सवाल नहीं करते, और तमसील का इनकार करते हैं कि अल्लाह ताला जैसा आएगा अल्लाह ही जानता है, पर वो मखलूक की तरह नहीं है। अल्लाह का आना, क्योंकि अल्लाह मखलूक के जैसा नहीं है, लैसा कमिस्ली शय, अल्लाह की मिसल कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी एक इल्मी वजाहत थी जो मैंने कर दी, और ये बड़ा एक खास आयत ऐसी आयत है जिस पर एक बड़ी बहस है इतियान को लेकर, कि इतियान अल्लाह की सिफत है कि नहीं है। जो गुमराह फिरके हैं जैसे आशायरा हैं, मातुरीदिया हैं, हमारे जमाने में जो हनफी हैं या शाफी हैं वो आमतौर पर आशरी होते हैं, मातुरीदी होते हैं, या मोतजिला हैं जो करीबन ख़त्म हो चुके ज़माने में, उस तरह की मोतजली नहीं पाए जाते। ये अल्लाह की जिन सिफात का इनकार करते हैं उनमें से एक सिफत इतियान भी है, आने की सिफत। ये अल्लाह के आने की सिफत का इनकार करते हैं और फिर उसकी तावील करते हैं, और अहले सुन्नत जमात जो है वो इतियान की सिफत को तस्लीम करते हैं कि आना अल्लाह ताला की एक सिफत है, तो अल्लाह ताला आएगा। कुरान मजीद में इसी एक मकाम पर नहीं, इसके अलावा भी मकाम पर अल्लाह के आने का जिक्र मौजूद है, तो अल्लाह ताला आएगा। अलबत्ता कैसे आएगा ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, बल इतना हम कह सकते हैं कमा यलीक़ु बिजलालिही ही, जैसा अल्लाह की शान है अल्लाह वैसे आएगा, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आएगा, जैसा अल्लाह की शान है वो मखलूक के जैसा नहीं आएगा। तो हल यंजुरूना, ये इंतजार कर रहे हैं, ये तो सोच रहे हैं कि बस हम अब नहीं मानेंगे जब तक अल्लाह ताला को अपनी आंखों से ना देख लें, तो ये इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आ जाए बादलों के साए में और फरिश्ते भी आ जाएं, वो खुज़ अल अम्र, और फैसला पूरा कर दिया जाए, मामला तमाम कर दिया जाए, काम तमाम कर दिया। काम तमाम कब होगा? हाँ, जब जन्नतियों को जन्नत में डाल दिया जाएगा, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, हर किसी का हिसाब किताब होगा, सारे आमाल खोल करके रख दिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत सा एक नक्शा जो है ना वो सूरतुज़्ज़ुमर में खींचा है कि कैसे अल्लाह ताला नबियों को, फरिश्तों और नबियों को और वलियों को और सिद्दीकीन को, शहदा को, सालहीन को, मुसलमानों को, काफिरों को, सबको जिंदा करेगा, सबको उठाएगा, सबका हिसाब किताब होगा, सब पे हुज्जत कायम होगी, किसी को जन्नत में डाला जाएगा, किसी को जहन्नम में डाला जाएगा, वो खुज़ अल अम्र, और मामला फिर खत्म हो जाएगा, सारे फैसले कर दिए जाएंगे, इसका इंतजार कर दें। कह रहे ये होगा तब मानेंगे, तो ठीक है तब तो तुम मान ही लोगे, उस वक्त मानना कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। जब अल्लाह आ जाएगा, जब फरिश्ते आ जाएंगे, जब कयामत बर्पा कर दी जाएगी, फिर तुम इंतजार कर रहे हो उसका, उस वक्त तो तुम्हारा मानना कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। जब तुम अपनी आंखों से जन्नत को देखोगे तो कौन, इतना हिम्मत किसके अंदर है कि जहन्नम को देख करके उसका इनकार कर दे, जन्नत को देख के उसका इनकार कर दे, कयामत को देख करके उसका इनकार कर दे, तब तो सब मान लेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा बस और कल यौम हदीद, आज तो तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं, तुम कहते थे मुर्दा कैसे जिंदा होगा, अब तो देख लेना मुर्दा जिंदा हो रहे हैं, तुमने तो देख लेना जहन्नम जन्नत हश्र बरपा है, मुर्दे उठाए जा रहे हैं, अमाल का हिसाब किताब हो रहा है, नामा अमाल तकसीम हो रहा है, एक एक अमल तुम्हारे हाथ में तुम्हारी किताब दे दी जाएगी। इक़रा किताब कफा भी नफ्स कल यौम अलैक हतीबा, पढ़ो अपनी किताब, आज तुम अपने हिसाब करने के लिए खुद काफी हो। तो जब तुमको सब दे दिया जाएगा, हिसाब किताब देख लोगे, कच्चा छिट्टा सारा मिल जाएगा, फिर मानोगे, उसका इंतजार कर रहे हो, लेकिन तब मानने का फायदा क्या होगा? जब तक नहीं देखा है, असल इम्तिहान तो ही बगैर देखे मान लो, एक बार देख लिया उसके बाद मानोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। वा इलल्लाही तुरजउल उमूर, और सारे काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। अल हुक्म लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, अम्र सिर्फ अल्लाह का है, दुनिया में भी हुक्म उसी की तरफ लौटाए जाते हैं, उसी की चलती है, और क़यामत के दिन भी उसी की चलेगी। वह इलल्लाही, अल्लाह ही, इसलिए यहाँ पे इलल्लाह पहले लाया गया, तुर्जा बाद में लाया गया, तकदीम दाखिल हुई है,
और उसूल ये है कि फेल से पहले जब सिला आता है तो हसर के माना पैदा हो जाते हैं। तो इलल्लाही तुरजउल उमूर, इसका तर्जमा हम करेंगे अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं मामलात। तो ही का जो लफ्ज हमने कहा कि सिर्फ अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं, ये ही का जो माना पैदा हुआ है वो इलाह के पहले लाने की वजह से पैदा हुआ है। तकदीम हक व ताखीर युफीदुल हसर, फायदा है कि जिस चीज को बाद में लाना चाहिए अगर वो पहले आ जाता है तो हसर का सिर्फ का फायदा देते हैं, सिर्फ का माना पैदा हो जाता है। तो असल तो होना चाहिए तुरजउ इलल्लाही अल उमूर, पहले फेल आना चाहिए उसके बाद सिला आना चाहिए, पर सिला क्योंकि फेल से पहले आ गया है तो उसके अंदर हसर और सिर्फ के माना पैदा हो गए कि अल्लाह की तरफ हर मामला लौटता है। इन्ना अलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, इनको लौट करके हमारी तरफ आना है, फिर हमारी जिम्मे है इनका हिसाब करना। तो अल्लाह ताला हिसाब करना अल्लाह की जिम्मे, अल्लाह हिसाब करेगा। सल बनी इसराइल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बैकिना वमन युबदिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फइन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। अल्लाह ने फरमाया यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सल बनी इसराइल, बनी इसराइल से पूछो। अभी पिछले सूरह बकरा के आगाज में ही बनी इसराइल पर एक लंबी तफसीली बहस हुई और ये बताया गया कि अल्लाह ताला ने उनको किन किन नेमतों से नवाजा था। फरमाया सल बनी इसराइल से पूछो, औलाद याकूब से पूछो, कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना, हमने उनको कितनी वाज़ेह निशानियां अता फरमाई थी। बनी इसराइल से पूछो हमने उनको कितनी वाज़ेह निशानियां अता फरमाई थी। यहाँ पे पूछने से सवाल करना एक तो होता है इस्तेलाम के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। यहाँ पर इसलिए नहीं कहा जा रहा बनी इसराइल से पूछो कि आपको नहीं पता है और बनी इसराइल आपको बताएंगे, ये सवाल तौबीख है, सवाल तबकीत है कि डांटते हुए पूछो, उनको डांटने के लिए पूछा जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सवाल करते हैं, सवाल का मकसद इल्म हासिल करना नहीं होता बल्कि सवाल का मकसद होता है डांटना कि कितनी नेमतें हैं जो हमने तुमको दी हैं, पूछो बनी इसराइल से अल्लाह ने कितनी नेमतें तुमको दी थी और इन नेमतों कम आते ना कितनी निशानियां तुमको दी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन निशानियों का जिक्र भी किया है और वो निशानियां दो तरह की, एक तो आयत शरई है यानी अल्लाह ताला ने उन पर आयतें नाजिल फरमाई, किताबें अपनी नाजिल फरमाई, तौरात और इंजील उनके लिए नाजिल की गई, और दूसरा वो आयात हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बतौर मुजज़ा दी गई। असा एक निशानी थी, यद बैजा एक निशानी थी, और फिर तीन नौ निशानियों का जिक्र जो फिरौन के हवाले से आया है उसकी कौम को दिखाया, वो भी निशानियां थी। फिर फिरौन का गर्क हो जाना, समंदर दो टुकड़ों में तकसीम हो जाना, चश्मे फूट जाना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी को मारने से, ऐसी बेशुमार निशानियां अल्लाह ताला ने उनको दिखाई। फरमाए कम यहाँ पे तकदीर के माना में कितनी निशानियां हैं जो अल्लाह ताला ने उनको दी। वमन युबदिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु, और जो अल्लाह ताला की नेमत को बदल दे नेमत के आने के बाद, किससे बदल दे, नाशुकरी से बदल दे, यानी अल्लाह ने जितनी नेमतें की इन्होंने उसका क्या किया, उसको नाशुकरी से बदला, अल्लाह की नेमतों का बदला उन्होंने नाशुकरी से दिया। फइन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त सजा देने वाला है। अल्लाह ताला नेमतें देता है, अल्लाह ताला इन नेमतों के बदले में और कुछ नहीं चाहता आपसे कि आप एतराफ करें कि अल्लाह ताला की नेमत है, इताअत करें अल्लाह ताला की और उस नेमत को अल्लाह की फरमाबरदारी में इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बहुत नेमतें की, उनके पास रसूल भेजे, उनको दुनिया की बादशाहत दी, उनको फिरौन के जुल्म से निजात दी, दुनिया व आसमान की बरकतें उन पर नाजिल की, मन्ना सलवा उनके लिए नाजिल किया गया, लेकिन हर नेमत का बदला उन्होंने नाशुकरी से दिया, नाफरमानी से दिया, शिर्क व कुफ्र से दिया। तो जब बंदा अल्लाह की नेमतों का जवाब नाफरमानी से देता है तो फिर अल्लाह उसको सजा देता है। इसलिए बंदा जब अल्लाह ताला की तरफ से किसी नेमत में हो तो उसको बहुत डरना चाहिए कि कहीं मेरी नाफरमानी मेरे लिए सजा का बाइस न बन जाए। इसलिए नेमतें जो है ना वो एक तरह का आजमाइश और फितना भी होती है। अल्लाह ने इसलिए फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। क्यों फितना कहा, माल नेमत है, औलाद नेमत है, पर अगर नेमत का जवाब बंदा नाशुकरी से देता है, नेमत का जवाब अल्लाह ताला की नाफरमानी से देता है, तो फिर ये नेमतें अल्लाह ताला के अजाब का बाइस बन जाती हैं। वो नेमत हमारे लिए मुसीबत बन जाती है अगर हम उसकी शुक्रिया का हक अदा नहीं करते, अगर उसमें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तसरुफ नहीं करते, फिर ये नेमतें हमारे लिए हुज्जत बन जाती हैं। अल्लाह ताला कयामत के दिन इन नेमतों के बारे में हमसे सवाल करेगा और अगर हमने उसके शुक्र का हक अदा नहीं किया है, अगर उस अल्लाह की नाफरमानी की उन नेमतों के मिलने के बावजूद, तो फिर ये नेमतें हमारे लिए जहमत बन जाएंगी। तो फरमाया कि हमने बनी इसराइल को बहुत सारी नेमतों से नवाजा। असल में ये बनी इसराइल का जिक्र जब भी आता है ये एक आईना है माजी का जिसमें हमको हमारा हाल और मुस्तकबिल दिखाया जाता है कि बनी इसराइल ने तो अल्लाह ताला की नेमतों का जवाब नाशुकरी से दिया, तुम्हारे साथ भी होने वाला है, तुम पर भी अल्लाह ने बहुत नेमतें की हैं। तो वो रवैया जो नेमतों के हवाले से बनी इसराइल ने इख्तियार किया वो तुम मत इख्तियार करना। अल्लाह ने अगर तुमको नेमत दी तो उसका शुक्रिया अदा करना,
ورنہ پھر اللہ تعالیٰ شدید العقاب زبردست سزا دینے والا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا حَيَاةُ الدُّنْيَا مزین کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی کو. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بات کہہ رہا ہے کہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے. کیا ہے دنیا کی زندگی؟ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقدرۃ من الذهب والفضۃ. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بیویاں, عورتیں, بیٹے, سونے چاندی کے ڈھیر, کھیتی باڑی اور خوش نما بنگلے اور پراپرٹی, یہ ساری چیزیں انسان کو پسند ہیں, سواریاں, یہ ساری چیزیں یہ دنیا کی زندگی ہیں. کافر کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے. کون مزین کیا ہے؟ اللہ نے بھی مزین کر دیا ہے. یعنی جب شیطان اللہ جو ہے انسان بہکاوے کے راستے پہ چلتا ہے اور دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیتا ہے تو اللہ دنیا کی ہرس, دنیا کی لالچ, دنیا کی چاہت ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو اللہ نے بھی مزین کر دیا اور شیطان بھی ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیتا ہے. زین الہم الشیطان اعمالہم, شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے. تو کافر جو ہیں جب وہ گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کا راستہ آسان کر دیتا ہے, اس کو گمراہی میں مزے آنے لگتے ہیں, اس کو دنیا کی زندگی محبوب ہو جاتی ہے. تو کافروں کے لیے دنیا کی زندگی محبوب کر دی گئی ہے, وہ صرف دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں. ایک کافر کی زندگی کے مقصد صرف دنیا کمانا, صرف دنیا کی آرزوئی اور خواہشات کا غلام بن جاتا ہے, دنیا کو اپنا معبود بنا لیتا ہے, دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے. آپ دیکھیے دنیا میں جو ارب پتی لوگ بھی ہیں نا, ان کی زندگی کے مقصد بھی کیا ہے؟ کھرب پتی بن جانا. جو دوسرے نمبر کا امیر آدمی ہے وہ پہلے نمبر کا امیر آدمی بننا چاہتا ہے, بالکل دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے ان کے زبان سے لار ٹپک رہا, جسے دنیا کی چاہت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے بعض حدیث میں الگ میں فرمایا تیساب دو دینار, کہ دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا, درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا. تو یہ بندے بن جاتے دنیا کے اور دنیا ان کی ایسی محبوب ہو جاتی ہے جیسے ایک ایمان والے بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. تو کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے, ان کو وہ صرف دنیا ہی کمانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایمان والے بندے ایسے نہیں ہوتے, وہ دنیا کو ضرورت تو سمجھتے ہیں پر دنیا کی محبت, اللہ کی محبت پر غالب نہیں ہوتے دل میں. اس لیے اللہ کی دعا میں سے ایک دعا تھی اللہ مالا تجلی دنیا اکبر ہم منا, اور یہ بڑی پیاری دعا ہے اور یہ ہم کو مستقل مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہماری سب سے بڑی چاہت مت بنانا, ہمارا سب سے بڑا مقصد مت بنانا. یہ بہت ہی ملعون زندگی ہے کہ بندہ صرف دنیا کی چاہت میں جیے. اس کی ساری آرزویں جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا نا کہ وہ ایک بندہ ہے وہ ایون دیندار بھی حج بھی کرنے گیا پر وہاں پہ بھی وہ کیا کر رہا ہے, بس ربنا آتنا فی الدنیا, بس دنیا ہی مانگ رہا ہے. یہ کافر کا رویہ کہ وہ دنیا کے آگے اس کی سوچ ہی نہیں جاتی, وہ بس دنیا ہی کی چاہت کر رہا ہوتا ہے. وہ دعاؤں میں بھی اگر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو دنیا ہی مانگتا ہے کیونکہ اس کی ساری تمنائیں دنیا ہی سے متعلق ہیں. اب ایسے لوگ جو دنیا کی چاہت میں مگن رہتے ہیں, یسخرون من الذین آمنوا, وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آدمی قیامت کی بات کرے تو مذاق اڑاتے ہیں, ہاں آدمی جنت جہنم کی بات کرے تو سوچتے ہیں یہ تو بڑا جو ہے وہ دقیانوسی اور پچھڑے خیالات کا مذہبی, یعنی ہمارے یہاں گالی ہو گئی ایک طرح سے, بعض لوگ بولے مذہبی انسان ہے, گالی کی طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, وہ استعمال کرتے ہیں اس کی, یہ بڑا ریلیجیس ٹائپ اور مذہبی انسان ہے, مذاق اڑاتے ہیں ان کا. ارے جنت کا مذاق اڑاتے ہیں, جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں. یسخرون من الذین آمنوا, ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے عقیدے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں جنت جہنم کا, ان کے عمل کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, داڑھی رکھی تو مذاق اڑاتے ہیں, مسلمان عورت حجاب کرتی تو مذاق اڑاتے ہیں, اور وہ جو ہے نماز پڑھ رہے تو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں, دعائیں کر رہے تو دعاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں. یسخرون من الذین آمنوا, وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ بعض مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں, دعاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں مسلمان. ابھی جلدی میں نے سوشل میڈیا پہ کوئی دیکھا کہ بھائی دیکھو سکھ لوگ تو ترکی میں پہنچ گئے اتنا سب کچھ لے کر کے اور مسلمان دعائیں ہی مانگ رہے ہیں. دعائیں مانگنا کوئی چھوٹی چیز ہے؟ ہاں بعض مرتبہ ہم نادانی میں اللہ تعالیٰ کی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں, دعاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ, کہہ رہے دعائیں مانگ رہے ہیں, دیکھو وہ لوگ ریلیف تقسیم کر رہے ہیں اور ہم سے دعائیں مانگ رہے ہیں. بھائی کیا پتا ہماری دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا وہاں مدد کرنے کے لیے. ہاں تو یسخرون من الذین آمنوا, کہ کافروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ, حالانکہ کیا ہوگا قیامت کے دن جو تقوی والے ہیں ان کے اوپر ہوں گے, ان کا درجہ بلند ہوگا, ان کا مرتبہ بلند ہوگا, وہ منزل کے اعتبار سے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. آج دنیا میں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, بچے زیادہ پیدا ہو جائے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, یعنی اہل ایمان, کیونکہ اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت میں اپنے خیر کا بھائی سمجھتے ہیں تو اہل ایمان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. بھائی
मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मुसलमान इतने बच्चे हैं इनके, इनके 10 बच्चे, इनके 8 बच्चे, मजाक उड़ाते हैं इनका। हालांकि कयामत के दिन फौकहुम यौमल क़ियामा, ये अहले ईमान इन काफिरों पर ऊपर होंगे। वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बग़ैर हिसाब, और अल्लाह जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिस्क देता है, यानी अल्लाह ताला कयामत के दिन अहले ईमान को बगैर हिसाब के, बगैर हिसाब का दो मतलब होता है, एक उनसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट उनको जन्नत में दाखिल करेगा अल्लाह ताला और उनको रिस्क देगा, और बगैर हिसाब का मतलब उनसे कोई गिन करके चीजें नहीं दी जाएंगी, जितना चाहेंगे उतना मिलेगा। दो माना होते हैं बगैर हिसाब के। तो वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बग़ैर हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिस्क देता है। और इसमें भी आप देखेंगे कि सूरह मुतफ़िफ़ीन में ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बड़ा प्यारा सा नक्शा खींचा है कि दुनिया में तो ये मुशरिकीन मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को जन्नत में दाखिल कर देगा, और ये जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं ये जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ताला इनके बारे में फरमाए इन्नल्लज़ीन अजरमू कानू मिनल्लज़ीन आमनू यज़हकून, कि गुनहगार लोग ईमान वालों की हंसी उड़ाया करते हैं। वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, और जब उनके पास से गुजरते हैं तो आंखों से इशारा करते हैं, अरे देखो जा रहे नमाजी साहब, अरे देखो जा रहे हाजी साहब, अरे नकाब वाली औरत को ताना कसते हैं। वइज़ा इनक़लबू इला अहलिही इनक़लबू फ़कीहीन, और जब अपने घर वालों की तरफ लौटते हैं तो दिल लगियां करते हैं। वइज़ा रआहुम क़ालू इन्ना हाउला इला दालून, और जब अहले ईमान को देखते हैं तो कहते हैं ये तो गुमराह लोग हैं। वमा उर्सिलु अलैहिम हाफिज़ीन, अल्लाह ताला ने इनको निगहबान बना के नहीं भेजा है। फलयौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ्फारि यज़हकून, तो आज का दिन वो होगा जब ईमान वाले काफिरों पर हंस रहे होंगे। दुनिया में इन पे हंसा जाता था, इन पे लतीफे कसे जाते थे, इनका मजाक उड़ाया जाता था, दाढ़ी पहनते हैं तो दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी का कार्टून बनाया जाता था, लेकिन जन्नत में क्या होगा, क़यामत के दिन क्या होगा, फलयौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ्फारि यज़हकून, अब ईमान लाने वाले काफिरों का मजाक बनाएंगे। अलल अराइक यंदुरून, और ये ईमान वाले तो तख्तों पे बैठे देख रहे होंगे, जहन्नम में जल रहे होंगे और अहले ईमान उनको जलते हुए नजारा कर रहे होंगे। हल सुबिबल कुफ्फारु मा कानू यफअलून, क्या मुनकिरों को जो भी वो करते थे उनका बदला काफिरों को दे दिया गया, नहीं दे दिया गया। तो सूरह मुतफ़िफ़ीन की आखिरी आयतों में अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा कि दुनिया में तो काफिर लोग अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ये बदला भी देगा कि अहले ईमान जब उनको अपने ईमान का, अपने अकीदे का, अपने अमल का, अपनी कुर्बानी का बदला दे दिया जाएगा, तो ये अहले ईमान फिर इन काफिरों का मजाक उड़ाएंगे। इन आयतों पर आज के दर्स का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको भी उन अहले ईमान में शामिल फरमाए जिसने, जो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व एहसान से जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं दुनिया में मुसलमान होने के, इसे अच्छे अल्लाह ताला उनको अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।